साथियों नमस्कार। योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों आप सब? उम्मीद है कि आप लोग हमारे विभिन्न कड़ियों को देख करके आप एक्यूप्रेशर अर्थात सुजोग थेरेपी को आप सीख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। हम लोग इस कड़ी में आप लोग के लिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हमने एक्यूप्रेशर, एक्यू मीन्स सूक्ष्म बिंदु और प्रेशर मीन्स अप्लाई फोर्स अर्थात सूक्ष्म बिंदुओं पे दबाव देकर उपचार करने की प्रक्रिया को हमने एक्यूप्रेशर कहा था। और इसी एक्यूप्रेशर जो चिकित्सा है उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का हमने प्रयोग किया, उस सिद्धांत का नाम है सादृश्यता का सिद्धांत। जी हाँ, कोरोस्पोंडेंस थ्योरी कहा जाता है। तो कोरोस्पोंडेंस का अर्थ है सिमिलर स्पिरिट्स लिव इन सिमिलर सेप्स अर्थात समान आकार प्रकार के वस्तु में समान ऊर्जा होती है। यहाँ पे समानता का सिद्धांत है, सिमिलरिटी की थ्योरी है। तो इस थ्योरी को हमने चर्चा किया था आपको और इसकी तुलना आपके हाथ के हथेली से किया था। उसमें ये वाले पार्ट, अंगूठा का पार्ट हमारे ब्रेन का रिप्रेजेंटेटिव था और इसके नीचे वाले भाग ये हमारे चेस्ट का और जो हमारा बॉडी पार्ट है ये हमारे स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये दो बीच का जो फिंगर है वो पैर के लिए और बगल का दो फिंगर है वे हाथ के लिए हमने चर्चा किया था। साथियों हमने इन सादृश्य के बारे में इससे पूर्व 7 नंबर का जो हमारा एपिसोड था इसमें हमने चर्चा किया था। आज जो 8वां नंबर है जिसमें हम यांग सादृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, स्टैंडर्ड कोरोस्पोंडेंस के यांग सादृश्य मतलब बैक साइड, हमारे शरीर के पीछे तरफ कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट है इस पार्ट के बारे में जानकारी हस्तगत करेंगे। साथियों आप हमारी पूरी इस कड़ी को मतलब एक से लेकर के अभी तक की कड़ी को आप जरूर देखें, क्योंकि यदि बीच में ही आप देखेंगे तो पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। इसलिए यदि सीखना है आपको तो स्टार्ट से लेकर के, स्टार्ट मतलब पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 2, 3 ऐसे करके 7 और 8 नंबर है, आगे और भी चलने वाली है, इसको आप जरूर देखें। और अगले कड़ी को हम लोग आज चर्चा करते हैं जिसमें यांग सादृश्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों आज के इस कड़ी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी में, सुजोग थेरेपी के बारे में। और इससे पूर्व कड़ी हमने चर्चा कर चुके हैं कि सु मीन्स पाम और जोग मीन्स पैर का तलवा। और इस सुजोग थेरेपी में जो सिद्धांत प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सादृश्यता का सिद्धांत, कोरोस्पोंडेंस थ्योरी। साथियों सुजोग थेरेपी में 2 टाइप्स ऑफ कोरोस्पोंडेंस, एक इनसाइड और दूसरा यांग साइड है। लेकिन कोरोस्पोंडेंस के प्रकार के बारे में चर्चा करें, 3 प्रकार के कोरोस्पोंडेंस हैं, स्टैंडर्ड, इंसेक्ट और मिनी। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्टैंडर्ड मानक सादृश्य, हिंदी में कहा जाता है मानक सादृश्य। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं पूरे हाथ की हथेली में जब पूरी बॉडी के प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित किया जाए, ऑर्गन्स को दिखाया जाए तो वो होता है इन सादृश्य, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कोरोस्पोंडेंस। तो स्टैंडर्ड कोरोस्पोंडेंस बारे में हम लोग चर्चा इसमें किए हुए हैं, वो भी इन साइड के बारे में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यांग सादृश्य के बारे में। जी हाँ, यांग सादृश्य मतलब हाथ के पीछे वाले भाग। आप भी अपने हाथ को बैक साइड कर सकते हैं और बैक करके इसके यांग पार्ट में हम जो जो ऑर्गन्स आने वाले हैं उन ऑर्गन्स को यहाँ पे हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे और देखेंगे कि वास्तविकता में ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। विशेष तौर हम लोग ब्रेन, सर्वाइकल और बैक स्पाइन, पूरे टोटल स्पाइन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सर्वाइकल से होने वाली प्रॉब्लम और कमर दर्द के रोगों से कैसे मुक्त किया जा सकता है बेसिक तौर से। एडवांस तो बहुत सारे हैं पर बेसिक तौर से हम लोग कैसे कर पाएंगे इसको आपको हमें देखना है। तो इसको साथियों हम लोग जो कोरोस्पोंडेंस थ्योरी है, इस कोरोस्पोंडेंस थ्योरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले देखिए हमारा ब्रेन का पार्ट, चूंकि इस फोटोग्राफ में आप देख ले, पहले तो इधर जो राइट साइड हमारे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं कर्सर चला रहा हूँ आपका, तो इस कर्सर साइड किनारे में आप देख पा रहे हैं
जिधर ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर स्केलेटन है, जहाँ पे रेड कलर में पूरे पूरे हम सर्वाइकल को दिखाया है, और टॉप में ब्रेन पार्ट है। जो कि ब्रेन हमारे अंगूठा का अंगूठा हमारा रिप्रेजेंट करता है, तो निश्चित तौर से फ्रंट में यदि आइज है, नोज है, तो उसके बैक पार्ट में हमारा ब्रेन का बैक पार्ट होगा। तो बैक पार्ट देखिए, जैसे हमने कोरस्पोंडेंस यहाँ पे दिखाया है, तो ये कोरस्पोंडेंस हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक स्पाइन में। और इसके साथ साथ जो सर्वाइकल है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सर्वाइकल कहाँ पे है आपका, देखिए सर्वाइकल में फर्स्ट ज्वाइंट, जो हमारा अंगूठे का जो फर्स्ट ज्वाइंट है, और फर्स्ट ज्वाइंट से सेकेंड ज्वाइंट तक आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ज्वाइंट देख रहे हैं और फर्स्ट ज्वाइंट से आप सेकेंड ज्वाइंट तक देख पा रहे हैं, यहाँ पे 7 वर्टिब्रा है। जी हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस 7 वर्टिब्रा का हम लोग क्या करते हैं, एक और अच्छी तरह देखते हैं इसको। हम इस तरह से देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे नंबरिंग लिखा हुआ, देखिए 7 वर्टिब्रास। जी हाँ, हमने पूरे हाथ में जो बैक साइड अंगूठा दिए हैं इसमें देख सकते हैं। और यहाँ नीचे देखिए, मैंने एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दिया है, उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब इक्वल साइज में देखिए हमारा जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पाइन यहाँ पे बनाया गया है। अच्छा, इसको और अच्छी तरह से भी देखना है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए मैंने बीच में क्या किया है, इसको ऊपर से फर्स्ट जॉइंट से सेकंड जॉइंट तक 7 भागों में कट किया है। देखिए ब्लैक कलर का बीच वाले भाग को देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये 7 भागों में यहाँ पे प्रतिस्थापित है। इन 7 भागों को मैंने क्यों दिखाया आपको बता दूं मैं आपको, ये 7 भाग वैसा ही जैसे आप MRI या एक्सरे करते हैं ना, तो आपके पूरे के पूरे सर्वाइकल का हम लोग स्कैनिंग कर सकते हैं। ऊपर से दबाते हुए नीचे तक आइए, जहाँ पे दर्द हो रहा है वही पॉइंट आपके सर्वाइकल का है। जी हाँ, जिमी होता है, उस जिमी से आप ऊपर से नीचे दबा दीजिए हल्का सा, तो आपको वहाँ पेन महसूस होगा। उस जहाँ पे पेन हो, दर्द हो, समझिए वहीं पे हमारे नर्व जो है वहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है, या मसल्स में किसी प्रकार के स्ट्रेस आ रहा है, तो ये उसी भाग पे हम लोग क्या करते हैं, मेथी की पट्टी। जी हाँ, मेथी आपको मिल जाता है जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, खड़ी वाली मेथी होती है, और पेपर टेप मेडिकल स्टोर मिल जाता है, तो पेपर टेप में मेथी को पट्टी को आप मेथी को चिपका लीजिए और पट्टी बनाकर उसे राउंड सर्कल में रात में सोते समय लगाइए और दिन में उसको निकाल दीजिए। देखिए आप यहाँ पे मैंने मेथी की स्ट्रिप लगाकर आपको दिखाया है, अगर मान लें अपर पार्ट में है तो ऊपर लगाइए, सेंटर पार्ट में है तो सेंटर में लगाइए, लोअर पार्ट है लोअर में, और यदि चक्कर आ रही हो आपको, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए मैं चर्चा करने वाला हूँ, यदि आपको चक्कर आ रही है तो चक्कर के लिए क्या करना, फर्स्ट जॉइंट पे लगाइए, फर्स्ट जॉइंट पे जॉइंट के ऊपर ही राउंड सर्कल में लगाइए नाइट में, और सुबह निकाल दीजिए। कैसे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो ठीक हो सकता है, बशर्ते गर्दन मत झुकाइएगा। अच्छा, एक चीज़ महत्वपूर्ण बात बता दूँ, सर्वाइकल का जो इलाज है सामान्य तौर से मेडिकल में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे पेन किलर दवाई दी जाती है और आपको रेस्ट करने के लिए गर्दन न झुकाने की सलाह दी जाती है। फिजियोथेरेपी में उसका कुछ ट्रीटमेंट है, सिकाई वगैरह से बहुत सारे तकनीक अपनाते हैं, लेकिन हमारा जो टेक्निक्स है ना, ये बेसिक इतना महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ा सा गर्दन न झुकाएं और सावधानीपूर्वक रहें और गैस ना बने पेट में, और इस मेथी की पट्टी को आप लगा दीजिए, आपकी सर्वाइकल से आपको निजात मिल सकती है। तो निश्चित तौर से आप इसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये सर्वाइकल का है, सर्वाइकल में साथियों 7 वर्टिब्रा है। इसके बाद आता है थोरेसिक। जी हाँ, ये थोरेसिक वाला देखिए, मैंने यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर स्केलेटन स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे, तो ऊपर से नीचे जो हमारा जो दिखाया गया है इसमें होता है 12। जो 12 हमारे पास है, तो यहाँ पे सर्वाइकल के बाद जो नीचे तक जहाँ ब्लैक कलर का दो पट्टी दिख रहा है, मैंने इसको कलाई के रूप में बनाया है, ब्रिस्ट के रूप में बनाया है, मूवमेंट ज्वाइंट के रूप में, तो ये हमारे पास 8 है। यहाँ पे हमने थोरेसिक को 2 भागों में डिवाइड किया है, पहले 8 तक का नंबर ये यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, जो सर्वाइकल है, पहले ब्रेन के ऊपर एक ब्रेन दिया हमने अंगूठे के पीछे, उसके बाद सर्वाइकल है, इसके बाद ये थोरेसिक का जो हमने 8 पार्ट आपको दिखाया है, ये 8ों पार्ट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे 4 जो है इसके दो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच वाले भाग में अगले स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, इसको आप देख पाएंगे। तो थोरेसिक वाला पार्ट हमारे कहाँ हो रहा है, यहाँ पे पाया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे हम देखते हैं, इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पे
हमने मेथी की पट्टी और आगे दिखाया था आपको, जिस तरह से हमने बताया था उसे, अब इसको जरा देख लीजिए। इसके बाद हमने आपका जो हमारे इसमें स्क्रीन के लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं, बेक स्पाइन को हमने बनाया है। एक तो हमने अंगूठे के पीछे बनाया, दूसरा रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के पीछे, देखे बीच बीच दो हड्डियों के बीच जो गड्ढा वाला भाग होता है ना, वहीं पे बनाना है, हड्डी के ऊपर नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है आपको। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच जो हमारा जो गड्ढा वाला भाग है, जो चैनल है, उस चैनल के अंदर ही ये लाइन खींचा जाएगा। बिल्कुल सीधा खींच दीजिए, कहाँ तक खींचेंगे, जहाँ तक कलाई को आप मोड़ पा रहे हैं, और जहाँ मुड़ता है वहीं पे देखिए दो ब्लैक कलर का जो नीचे में लाइन, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप उसका मूवमेंट पार्ट मानिए। तो इसके बाद मैंने देखिए इसी में बीच में एक लंबा जो मैंने लाइन खींचा है, ये लंबा वाला जो लाइन है ये हमारा जो है क्या है, लंबर यहाँ से शुरू होता है, लंबर लंबर रीजन यहीं शुरू हो रहा है, और ऊपर जो टॉप में छोटा सा कट मैंने दिया है, ये छोटा सा कट का मतलब होता है साथियों, इसमें ये समझ लीजिए आप कि छोटा कट हमारा क्या है, कोकिक्स वाला पार्ट है। जी हाँ, सेक्रल और कोकिक्स पार्ट है। तो इस पार्ट को क्या है हम यहाँ से देखते हैं, इसको हम लोग पूरे पूरे डायग्राम के माध्यम से ओरिजिनल स्वरूप में हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। देखिए आप कैसे देखेंगे, आप इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे हमने चार फोर नंबर चार पार्ट यहाँ पे दे दिया है, 1, 2, 3 और 4। देखिए थोरेसिक को हमने कहा था ना कि थोरेसिक में 14 है, 14 है, तो सॉरी 12 है, 12 है, तो 12 में तो 8 इधर है और 4 इधर है। तो ये जो टुकड़े में है, तो टुकड़े में इसलिए कोरोस्पोंडेंट थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। आप एंगल से आप कैसे तोड़ सकते हैं स्पाइन को, आप तोड़ने की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ कोरोस्पोंडेंस है, इसलिए 8 को हम यहाँ किया है और 4 को इधर कर दिया है। अब इसके बाद जो बड़े वाले जो कट पॉइंट लगाए हैं और ऊपर का छोटा पॉइंट, ये बीच वाला पार्ट ये हमारा लंबर का है। यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स में इधर ह्यूमन फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, हमने ये थोरेसिक का पार्ट भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो थोरेसिक एरिया में तो यहाँ पे आप प्रेशर दे सकते हैं, दबाव दे सकते हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे लंबर वाला पार्ट देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर हमने आपको बनाने का यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। अब पहले देखिए स्केलेटल, देखिए ह्यूमन स्केलेटल जो हमने पिंक कलर में दिया है, ये आपका है ऑरेंज और पिंक में यहाँ पे कवर किया है, ये आपका लंबर पार्ट है। लंबर में 5 वर्टिब्रा है, ये 5 वर्टिब्रा विशेष तौर कमर के दर्द होते हैं या साइटिक प्रॉब्लम, साइटिका की जो प्रॉब्लम आती है मेनली यहीं से आती है, और बहुत से लोग इसमें परेशान रहते हैं। तो साथियों यदि आपके पास भी ऐसा है तो आप इसमें सावधान रहिए और इस वीडियो को देखते हुए आप सीखने का प्रयास कीजिए। तो ये देखिए लंबर में मतलब 5 है, और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो सेक्रल और कोकिक्स का है, और सबसे लास्ट पॉइंट जो कोकिक्स का वही आपको जिसे टेल बोन हम लोग कहते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों देखिए ऊपर जो 7 जो है फर्स्ट सर्वाइकल हो गया, 12 जो है आपका थोरेसिक हो गया, और 5 ये हमारा कौन सा लंबर हो गया, और 4 5 और 4 मिलकर के जो 9 वर्टिब्रा है ये हमारे कहाँ है, नीचे लास्ट पार्ट में जो ट्रेंगल एरिया बना है ये हमारा लास्ट पार्ट है। कुल 33 वर्टिब्राज है, 33 जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये आपके हाथों में है। अब प्रश्न ये है कि यदि इसका प्रयोग कैसे करें, यदि किसी व्यक्ति को कमर की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द हो रहा है, या उनको साइटिका की प्रॉब्लम है। जी हाँ, साइटिका के रोग से अक्सर लोग पीड़ित होते हैं, कराहते हैं। देखिए साइटिका का डायग्राम आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ्स, साइटिका में क्या होता है, कमर के जो नसें कंप्रेस होकर के वो नीचे तक उसका पेन पूरे पैर में चिलकन आती है और व्यक्ति कराहने लगते हैं। तो साथियों उससे मुक्त होने के लिए सबसे आसान तरीका मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इस स्पाइन का कोरोस्पोंडेंस है, बेसिक कंसेप्ट यदि इतना ही कर लेंगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए मैंने लंबर वाला पार्ट को हटा करके वहाँ पे मटर गिनाया है, क्योंकि मटर जो है ना इसका कोरोस्पोंडेंस है, इसका सादृश्य है। जैसे मटर अपने ओरिजिनल जो पी जो है अपना पैकेज में रहता है ग्रीन कलर में, देखना एक के पीछे एक लगे हुए होते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पे स्पाइन एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, तो इसकी एनर्जी सेम है, इसलिए आप यहाँ मटर के दाने या चने के दाने दोनों लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमने पूरे पूरे ऊपर सेक्रल कोकिक्स तक दे दिया है ताकि वो भी ठीक हो जाए। यदि किसी को कमर दर्द है तो एक सावधानी है, इसको ध्यान रखना है, झुकना नहीं है, कोई भी सामान झुक के मत उठाइए, पहले बैठ जाइए, घुटने मोड़िए और बैठिए, बैठ के उठाइए। जितने कमर दर्द के या प्रॉब्लम्स वाले यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है
कि आप सबसे फर्स्ट ध्यान रखें, झुके नहीं। आप पहले बैठिए धीरे से, हाथ से कमर झुकने ना पाए और हाथ से सामान को उठा लीजिए। अगर नहीं उठा सकते तो मत उठाइए, आप दूसरे व्यक्ति को बोल दीजिए। जैसे आपको मैंने मटर लगाने कहा है, वैसे ही जो देखिए मैंने चना यहाँ लगाया है। अब चने में देखिए उसका एक वाला पार्ट एक ही सिरे में बनाया कर रखा है, आप भी ऐसे कर सकते हैं जी। ये चना जो काबुली चना भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा वाला चना भी हो सकता है, लेकिन साइज हमेशा ध्यान रखिए। आपने हाथ की जो हथेली है ना, पीछे वाले पार्ट है उसकी गड्ढा है उसके अकॉर्डिंग करें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लगा दिए, गड्ढा छोटा है, व्यक्ति छोटा उम्र का है तो उसके लिए छोटा वाला चने के दाने लगाइए, बड़ा है तो थोड़ा बड़ा साइज के लगा लीजिए, अकॉर्डिंग टू हैंड। साथियों इसको उसके ऊपर में आप टेप लगाए, पेपर टेप, मैंने पेपर टेप ऊपर में उसको पेक नहीं किया है, केवल आपको दिखाने का प्रयास किया है। आप इसके ऊपर एक छोटा छोटा टुकड़े काट के ना पेपर टेप उसको टेपिंग कर दीजिए ताकि ये गिरे नहीं। कुछ नहीं करना है, इसको रात में लगाइए सोते समय और सुबह निकालिए, दिन में लगा कर रख से द बेस्ट। ये बेसिक थेरेपी है सर्वाइकल के लिए। मैंने यहाँ गले वाले पार्ट में मेथी की स्ट्रिप बताया, यहाँ पे मेथी की स्ट्रिप नहीं लगानी है, ध्यान रखना है मेथी की स्ट्रिप यहाँ काम नहीं करेगा। इसका एडवांस चिकित्सा पद्धति जो है, जो कि मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, पूरी थेरेपी इसमें बताने के प्रयास नहीं, फिर भी बेसिक बेसिक में चर्चा कर रहा हूँ आपको। हम एडवांस जो और बताएंगे जिसमें दाँत की विधियाँ, कौन सी दाँत की विधि प्रयोग होगी, क्या होगा, ये सब अगले कड़ी में और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति के बारे में चर्चा करूँगा। तो आप अगला हमारा और भी वीडियो देखना ना भूलें, इसको देखते रहिएगा। मैं अगला और वीडियो लॉन्च करूँगा, उसमें आपको सारे डिटेल में बताने का मैंने जो संकल्प लिया है वो सब आपको मैं बताऊँगा। तो साथियों ये हमारा क्या है, ये हमारा लंबर रीज़न है। तो लंबर कमर दर्द संबंधी कोई भी दिक्कत हो, चाहे साइड का हो या कमर का दर्द हो या किसी तरह के ब्लजिंग हो जाए या स्लिप डिस हो जाए, तो इसकी सभी का ट्रीटमेंट आप इसके द्वारा आप दे सकते हैं। और जो रोग जिसे हम लोग एलोपैथी या अन्य पैथियों में लोग लाइलाज कह सकते हैं, इसको ऑपरेशन द्वारा ठीक करने की बात करते हैं, तो विथाउट ऑपरेशन आप इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत क्रिटिकल केस हो तो मित्रों ऑपरेशन करवाया जा सकता है, बट यदि आप इसमें कहीं भी कुछ होने की गुंजाइश है, थोड़ा सा ब्लजिंग है, तो ऑपरेट मत करवाइए। आप इसे इस वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं कमर दर्द से, सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस से। इसका एडवांस पार्ट और भी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं चर्चा करें, जैसे हाथ में लगाते हैं वैसे पैर में भी आप चने की पट्टी लगा सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे पैर का भी फोटोग्राफ दिखाया है आपको, क्योंकि ये सू मीन्स हाथ की हथेली, जोक मीन्स पैर का तलवा। अगर हमें बिलो डायफ्राम अगर हम थेरेपी देते हैं तो प्राइमरी कोरोस्पोंडेंस लेग में आएगा कमर का, यस। तो कमर में है तो कमर में भी यहाँ पे देखिए रिंग फिंगर टोय और आपका मिडिल फिंगर टोय दोनों के बीच में जो हमारा जो गड्ढा वाला भाग है, जो चैनल है, उसी चैनल में। और ध्यान रखिए पैर का जो तलुआ है उसके ऊपर का पार्ट है, पूरा ऊपर से नीचे तक नहीं लगाना है, जहाँ तक गड्ढा वाला भाग है आधे तक आता है, उसके बाद हड्डियाँ आ जाती हैं। टॉर्सस और मेटा टॉर्सस है, तो टॉर्सस वाले पार्ट जहाँ पे समाप्त हो रही है और जहाँ मेटा टॉर्सस शुरू हो रही है, उसी पार्ट पर ही आप इस चने के दाने, चाहे चार आ जाए, तीन आ जाए, पाँच आ जाए, आप उसको लगाइए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है, और ज़्यादा फास्ट कोई काम करने वाला है तो पैर में काम करेगा, क्योंकि इज ए प्राइमरी कोरोस्पोंडेंस। और सेकेंडरी कोरोस्पोंडेंस हाथ में है तो हाथ में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर टोय जो है उसके बीच वाले ज्वाइंट पर अगर मेथी की पट्टी साथ में लगा दें तो सोने पे सुहागा है। जी हाँ, मेथी की पट्टी आप रिंग फिंगर टोय और मिडिल फिंगर टोय, पैर की इस दोनों फिंगर जो बीच दो बीच में आप लगाए हैं, फिंगर टोय के बीच वाले ज्वाइंट पर ही आप क्या करें, मेथी पट्टी लगाकर उसको और लगा दीजिए, तो आपको कमर दर्द में जल्दी से आराम आपको मिल सकती है। तो आप इस प्रकार से आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे ठीक हो सकते हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों तक भी इसको आप पहुंचाएंगे, ताकि ये विद्या जन जन की और हर एक व्यक्ति का, हर भारतीयों की चिकित्सा पद्धति बन सके। सभी स्वस्थ रहें, आनंदपूर्वक रहें, इसी कामना के साथ प्रणाम।